हाँ जी, तो राम राम, गुड मॉर्निंग सारे ने। तो आप सारे के सारे उठ चुके हैं। उठने के बाद आज मौसम बहुत सुहाना है, मतलब बारिश आ रही है। जैसे साइड में पान पर बात आ रही है, जैसे मम्मी और उधर फोन आ रहा है बस और का, तो करती और बताने लग रही है, अड़क अड़की बूंद आने लग रही है, झमरी झमरी। तो शायद उरा ब्यास है, उरा धूप नहीं है, तो उरा मौसम साफ है उरा। तो आज के है मम्मी ने जाना है गोड्डा नुवाण खातर, कहने करना बोलिया करा, तो माँ जाओगी उड़ा। तो इसलिए मम्मी उठ गए, सारा का सारा काम जल्दी जल्दी करने लग रहे हैं, क्योंकि फिर बाद में फिर भाई काम सोने का बना कोने का। या सोने का उठी तो लेट ही है, मैं लेट ने उठ के इसने बर्तन बुर्तन करवा दिया, बाकी झाड़ू झूड़ू का आ रही हूँ मैंने लैक कर, फर्श फुर्श धोना था मैंने लैक के माँ तक साथ में करवा दिया था, काम हमारा सारा सारा बन गया। वो हमारा गुच्ची सोनी और खेलने लग रहे हैं। तो एक बार मेरी मम्मी ने मेरे खातर अभी थोड़ी चाय बनाई है, चाय पी लूँ, बाकी हमारा काम सारा फिनिश है। और तो मैंने एक और बात बता देवा, हमारा जो दूसरा आईफोन था प्रो वाला, वो आईफोन का कैमरा सॉफ्टवेयर अपडेट कराया था, तो सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद में उसका कैमरा चलना बंद हो गया, पता नहीं क्या दिक्कत है। अपने वाला कैमरा चला है, अगला कैमरा नहीं चलता, तो फिर मैं उसने केयर में छोड़िया भाई, वहाँ के बात हो रही है। तो जैसे दुकान वाले ने पूछूंगा ना, तो दुकान वाले बात बोलना थे भाई, बोले क्यों पीछे लावा है, बोले सॉफ्टवेयर की दिक्कत है, तो केयर वाले अपना आप कर देंगे। मैं चल ठीक है, तो आज मम्मी जाओगी चक्कर चक्कर में, सारा सारा काम तो मम्मी ने जल्दी निमेट दिया है। और मैं दिक्कत यह है, मम्मी तो जाओगी लेकिन सोनिका भी जाओगी, आज जाओगी, आज ही बोलने लग रही है, आज नहीं तो कल तो चली जाओगी, घर जाओगी महीना 20 दिन तो रह के आओगी। लेकिन दिक्कत यह है, मैंने तो क्यों लागे जी तो कौन लागे, ना तो पोता बिना दादी और का लागे, दादा का लागे सोनी और का, ना मेरा तो जमाई नहीं लागे, कुछ भी ना जमाई 1% भी नहीं लागन लग रहा। और इबे तो सोच सोच कर मैं तो टेंशन हो रही है कि मेरा जी लग कुकर का सोनी का बिना रहे गुच्छी बिना, गुच्छी की तो घनी ज़्यादा, सोनी का तो भी ज़्यादा होगी। बाकी आज वो जाओगी, लेकिन पहले चली जाती लेकिन बाद में जाओगी भाई, एक बार मम्मी ने पहले गोड्डा नुवाण जाना, कैन कून कराने जाना पड़ेगा, थोड़ा कैन करवा कर मम्मी आओगी, फिर आने के बाद जाओगी, अगर टाइम बच गया तो आज निकल जाओगी, शायद आज के चांस है जाने के ज़्यादा। लेकिन बस मैं नया सोच आया है कि जी लाग कुकर का हमारा सोनी का, रात की नुकड़ लग रही है, आज छोले गुच्छी दूर है, आज छोले गुच्छी दूर है, तड़का तो मैं ले जाऊंगी, तड़का तो मैं ले जाऊंगी। लेकिन मेरे तो मैं टेंशन हो रही है भाई कि तड़का तो मेरा गुच्छी चला जाऊंगा, अगर गुच्छी बिना मेरा नहीं लागत जी जमा 1% भी। अरे जमा कच्चा कच्चा जी हो रहा है, सारा दिन मेरा जमा कच्चा जी हो रहा है इसी चक्कर में। अरे देख लियो लग रहे बात बूत करन, थोड़ा तो फोन आ रहा है इसकी दिराणी का नहीं, इसकी जिठाणी का। तो गाइज सोनिका लग मैंने कह रखी थी, मैं इसी जगह मैंने फोन छिपा रखे है भाई, जिस तक पूरा अपना आंगन का पूरा सारा सारा सुधा दिखे जाओगा। तो सोनिका ने जल्दी 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 सारा कितनी देर बताऊंगा मैंने, 20 मिनट में सारा काम कर दिया, रोटी पो दी, लस्सी लुस्सी ठीक करके, बर्तन बर्तन मांजने रह रहे थे आधे कलांजे हैं। तो मैं इस तीन बता इस तक मैंने बिया बात बता दी भाई, क्या नाम है, इसी सोचा शुरू में तो इस चक्कर में थी भाई, जुड़ ब्लॉग चलने लग रहे हैं, मैंने बता रखी थी कैमरा छुपा रखा है, और मैंने ये रिश्ता यह बात बता दी भाई कि कोई कैमरा कौन छुपा रखा था। तो सोने का मुझ में दौड़ा हो गया, सोचा तरीक है मैंने तो इतना जल्दी जल्दी काम कर, सच्चाई है और क्या है, उस में रखी उसमें ना दे रहा करे, उसमें कौन दे रहा, नहीं दूध खराब हो जाएगा ऐसी नो, तुरंत बोलो का चक्कर में जल्दी जल्दी कर दिया था काम, आज जो गाय जिन्हें दिखाई दी मैं इतना जल्दी काम करूँ है। तो गाई जी मैं देख ले तो सारा काम करा, मेरे मम्मी लैके अरू कहता हम पुंजड़ी मारते अंडे जाओ तर बना तो काम बनता अगली, और मैं 10 मिनट में सारा काम कर दूँ। मम्मी हो चुकी तैयार भाई, गैम जाने का तरह अपना जाओगी भैया, गैम गोडा नुवाण जाओ है, मम्मी की मम्मी मर गई, मतलब मेरी मम्मी की मम्मी, ये बात है ना शिनू, हाँ तो मम्मी की मम्मी, मम्मी की माँ कहले, हाँ तो मम्मी की माँ कहले, तो मम्मी कहले, अरे माँ मम्मी की मम्मी मरी ने, अच्छा पूरी सिंगर की तभी तब काड़स कुड़स कर, तो मम्मी की मम्मी को मैं, मम्मी की माँ मैं हूँ, अच्छा पूरा गाड़ी का सूट सांटर पूरा चुंदरा गाड़ी है, हैं जूती दे रहे हैं मेरी जूती अफगानी जूती भी गाड़ी माँ हो गया, तो दूध पे की आटा गुंदे सब की में हो गया, रोटी रोटी पुणी रह रही है, रोटी है गुंदे दे ही हुई है, रोटी में उठा को नहीं आमी तोले आ जाओगे 20 मिनट में आ जाओगे उल्टे, आप तो नाटक कर रहे हैं, तो मुझे आपके लिए 20 मिनट में आ जाएंगे, मैं गद्दा काट के दो सारा काम हो गया, देख ली एक रोटी रोटी रह रही है, फिर तो मार घरा चल जाऊंगी मैं, फिर मार घरा चल जाऊंगी, तो मैं आधा दुआर काट जाऊंगी, आधा तो मार घरा, फिर मार घरा मम्मी ने चिड़ाई जाऊँ, मम्मी रोड ना हो जाए, मैं घरा चल जाऊंगी फिर मैं
घर का नाम ले ली तुम्हारा रोन दो जाए मोटी हो गया हूँ घर जाऊंगी 20 किलो की खा जाऊंगी। हेलो गाइस देखो ये भैया की शेयरिंग का घर जाओगी या 5-7 दिन रह के आओगी फिर देखिए अभी 2 महीने रह के आओगी 2 महीने 5-7 दिन को नहीं 5-7 दिन में देख के आइयो गाइस किसी हो गया होगी 2 महीने रह के आओगी 2 महीने पूरे दिखाई मूर्ति से फिर मूर्ति हो गया होगी देख लो बताइए सवेर का ना कम से कम 4-5 बार बनाना शेक पी चुके हैं वो आ जाएगी क्या है कब्जी हो जाएगी फिर जुगेगी मैंने पेट सफा ला के दे दो बाकी आप एक आंटी से सूट आप आंटी से सूट लेगा मैं एक से अच्छी थी कर दो वो बेरा बनी ब्याह पाछे एक बार लेगी सूट टाइम में कौन मिल रहा गाइज आप सब कह रहे हो ना भैया आप एक दो सूट सके बोलता है कमेंट आ जाए आप सूट कौन के और यूं कौन के सूट तो पड़े हैं मेरे पहले बात तो भाई पहन नहीं था टाइम कौन लगा मैं सोचूं जो कम्फर्ट फील हो ना वो पहन लूँ लोअर टी शर्ट पहन लूँ मम्मी भी कहीं ज्यादा सूट डाल लिया अगर कोई तो भाई ने बार बार फिट करवाना पड़े तो मैं सोचा करूँ कि नॉर्मल से कपड़े डालू गर्मी ज्यादा है और दूसरी बात यह है कि मेरे पास सूट तो बहुत ज्यादा पड़े हैं लेकिन के है मेरा पेन नमा नहीं निकलता पहले तो ड्यूटी ड्यूटी हो जाया करती तो घर आया करती सारा दिन तो जिस तरह वो अपने यूनिफॉर्म में बाकी गाइज ने पता है मैं ठीक ठाक रखने वाला मैं गाइज ने पता है मैं ठीक ठाक रखने वाला मैं वो चीज ना आंदी मैंने जो तेरा जो मेरा ऐसा कुछ चीज ना आंदी मैं बस ठीक है लाइफ चली जा जिस तरह चल रही उसी चली जा उतनी बहुत है बोले बाबा इधर इतनी बहुत है ले देख ले भाई ए जीरा वाली मैडम ए केड़ो देवी की मैं छोड़ दे और खाने भी देख ले और खाने कौन देखती और खाने कौन देखती नुक्की नु बोतल चढ़ा के मुंह में देख लो वो कर्षित होगी नुक्का मोटी होगी मम्मी गाइस एक बात कह रहा हूं को थारा सारा आंगन में सामान खिड़ा रहा है बताइयो इनने ये तो जरूर गंदे हो गए हां कौन है नुको तब सफाई को रख दे जमा भी हां सही कहा है ये बात तो सच्चाई है बताऊं गाइस देख हम बताऊं ये बाल्टी रखी ने अरे तो मैं इसने पानी पिया के रख देवा या फिर अभी बर्तन साफ करने पड़े और ये अपना दिखता होगा ये फर्श है ना इसका कलर ही सा हो रहा है यो ने कूड़ा को नहीं पता है यो सीमेंट का फर्श है और ये दो अमीन इतना बड़े पौधे बोए थे सेब का बोया था और आड़ू का बोया था ना लीची का सेब का बोया था तो ये दोनों खराब हो गए तो हमने फर्श पाड़ दिया था ये बर्तन उरे भाई धोए थे सुकड़ खाते रख रखे हैं और नलके ने बार बार मैं जिस तरह मैं इसने पानी पिया नुआवा तो नलके एक तो उसमें जुड़े रही परमानेंट और वह दूर इसलिए कर रखी है भाई और मैं इसने बांध के नुआया करा हमी तो बाबा ठाकिर लेके आने पड़े और ये कपड़े इसलिए सूखे हैं क्योंकि भाई बुआई के पोतड़े हमें धोने पड़े हैं बार बार में और बताओ मैकड़ा कूड़ा खिंड रहा भाई बताओ आ बता क्या होती जचाई थे कौन जचाई दिन मसाले जचाई थी मम्मी जचाई थी ये बार ये दोबारा धोए हैं तो दोबारा ये मम्मी पानी टपकन लग रहे हैं हेलो हां जी गुड मॉर्निंग गाइस और आप सब कैसे उम्मीद कर आप सब बहुत अच्छे होंगे घर पर आए भी आप सबका बहुत बढ़िया होगा तो फिलहाल हम आप सबका स्वागत कर हमारा एक और नए ब्लॉग में और तब देखा होगा वाला ब्लॉग भैया मेरे घर जाने की तैयारी थी और कितना टाइम हो चुका है 11 बज चुके हैं और गए नहीं सुबह सुबह निकलने की वो था मैं तैयार होने लगी और भाई ने नुआ दिया था मैं तैयार को नहीं हुई थी ले चल भाई ने नुआ दिया था छोटा भाई ने सब को छोटा भाई क्यों कहा तो हम कह दिया करा वैसे ही तो बेटा ने तो नुआ दिया था मम्मी ने और काम कुम भी सारा निमट गया था हमारा जाने की तैयारी मैं जिस ना जान लगी इतनी देर में भाई मेरा देवर का फोन आ गया वह बोले हम यहाँ लग रहे हाँ बन बोली दाम पे दुख लगाने लग रहे हैं तो शायद 5-7 मिनट में उड़ा ले लेंगे वह तो बोले हम यहाँ लग रहे हाँ क्यों वह पीढ़िया में भी कोई नहीं आए थे क्योंकि हमारा पीढ़िया बिल्कुल एमरजेंसी में मंगवाया गया था मतलब कि रातों रात मंगवाया गया था तो उसने छुट्टी कौन मिली थी और उसकी ड्यूटी भाई शामली है बहुत ज़्यादा दूर है कोई आस पास होती तो वो एकदम तो आ जाता तो इतनी दूर भाई छुट्टी एकदम तो मिला उन्हें अपने पता है पहले अप्लाई करनी पड़े फिर जाके छुट्टी मिला है तो वो पीढ़िया कौन पूछ पाए थे तो फिर वो अब आने लग रहे हैं और फिर मम्मी बोलने उड़ी कि भाई आओगे तू जाओगे तो थोड़ा अच्छा सा को लगे तो उन आ जाने दे उन तक मिल के फिर निकल दिए तो अब देखो वो मैं शाम तक रुकेंगे किस टाइम तक रुकेंगे उनके जाने के बाद ही घर पर जाऊँगी और ये मम्मी शाम की एक बात पूछने लग रही है मैंने मैंने शाम थोड़ी गर्मी सी लगी थी भाई धूप तक में काला खेत पत्ता मांडे और भाई ना भी थोड़े लूज मोशन से हो गए थे तो फिर अमीन
कल शाम नाती सो गए थे, रोटी खाती सो गए थे, यार मम्मी पूछती रह गई के बोली सुमन के बोली सुमन, तो मम्मी ने डिटेल में बताऊं कि के बोली सुमन डाउन होती उसकी, लेकिन कल मारता मिलकर बिल्कुल है ना सुनो बिल्कुल खिलखिला उठी थी ना कल, तो बना मौसी को थी ना तो कुछ खाती ना कुछ पीती और बोली ना किसी को बोलती, बस वैसे ही गुमसुम रही जावा है, अनु कही जावा है बस मेरा रोन ना जी करा, बस मेरा रोन ना जी करा है, अनुली मेरे गोड्या बैठ के गणी बार रोवा है, वो सुती रोवा है क्यों है यार मन, तुम लोग टेंशन ज्यादा लेवा है मैं खुद टेंशन किस चीज की लेवा है, वो बढ़िया गर्ज खर्चा चारा सर नुबली बस सोनी की रही जावा ज्यादा, मतलब सोनी की टेंशन क्यों रखो आप, आराम आराम तो सब ठीक होगा, टेंशन लेके आप और बीमार हो जाओगे बताओ, आराम तो सब ठीक हो जाएगा फिर, बस ये नोली बस नोली मेरे करे तो वो अपने आप हो जाओ टेंशन, फिर कभी सोनी ने कौन लाई मरी से चक्कर में कौन लाई, तो रोन ला रही उस टाइम पर हाल होगा, कौन थी फिर मैं बताई, मतलब हम सुबह आवा थे मम्मी और रामी आवा थे, बोली फिर तू पाई कौन, फिर हम कपड़े भी कर लिए थे, फिर हम चेंज करने पड़े कपड़े भी, बाकी मौसी और जमा खुश हो गई, जमा मौसी तो सीधी बोली नोली के ना लाल कलर मन तो पसंद आया, बोली तड़के सिमाना देखा होंगे सूट मन तो घना पसंद आया, हाँ बोली ठीक है मौसी सिमा दिए, सारे जमा बढ़िया थे, बाकी तो हम खेत में भी गए फिर, हाँ खेती बाड़ी बढ़िया थी, सुमन अमन खेत में जा रहा था, हाँ सुमन गला गई और फिर मनु के चाले गिरे वो मौसी है ना शायद आप गाँव की से, वही मारा गला गई, बोली मैं भी देख के आऊंगी खेत कलावती, हाँ भाई भी गई फिर हम सारे खेत वात देख के आए, फिर जमुन पा गए अमीन, जमुन खाया मेरे को सुते लेके भी आए कितने सारे, हाँ मैंने जमुन लेके आए फिर अमीन, बाकी बहुत याद करने आई थी बेचारी, पतली हो रही भाई तो माड़ी हो रही है मेरा कौन क्यों हो रही है अधीना तो कौन ले चल, लेकिन फिर भी मन टेंशन ज्यादा रखा मनु लगा, मैं मनु ना कहूँ बीच मतलब किस चीज की रखा है ध्यान तो रखो इसका, बोले अपना घर में कहीं कमी है को नहीं, मलिया तो सह समझो को नहीं किस चीज की रखा है, जो कलावती मौसी है वो थी थामी आगे ताजा बोल दी, देखी मैं बोली 15 दिन हो गए ना किसी गला बोलती ना कुछ बात और नुमली ना किसी, मतलब अमीन तो बेरा भी कौन था ना मारती बताई, हाँ वो मौसी को थी बोली 15 दिन था आज भाई थोड़ा सा मुंह खोलिया इसने, बोली बोलती को नहीं, बोली आमी कमा की हो गया बेटी, बोली बस मेरा बोलना जी कौन करता ना, मेरा बोलना ना मन करता, फिर वो तो जमा उदासी उदासी हो रही थी, मैं मौसी ने खुद मैंने मौसी ध्यान रखा कर, बोली ध्यान तो रखू बेटी मैं जमाया थड़िया पर रखू, ये एक दिन तक की हो गया बताई छोटी सी उम्र में टेंशन ज्यादा रख रहा, एक बार नोली था मेरे थे पहले बता देंगे, बोली सारा क्यों सवेरा बेचारी 5 बजे दवाई लेने गई थी, बोली सारा घर का भाई सामान खिंडा पड़े हैं, हाँ नोली सारा खिंडा भी पड़े, मतलब फिर मैं दूसरी थोड़ी ना हूँ मैं गला लाके करवा दूंगी, इन्होंने ना गला लाके तो मैं ना करवाऊँ भाई भाभी पे, बोली इसी को बड़ी बात को नहीं, बोली फिर भी उमजा बारी करू रेनू करू सारा भाई मैसा गोबर का श्याम थी कपड़े है, बोले बीमार हो तो 10 दिन का ही पड़े रह जाए कोई बड़ी बात हो, इसमें कोई बड़ी बात ना होंगी, अब मैं नोली फिर भी मैंने शर्म से आओ सारा सामान खिंडा है, मुझे शर्म ने बता कौन सी बड़ी, मैं बाहर की थोड़ी ना हूँ, फिर बोली अच्छा फिर तो कल तो राजी राजी हुई, मतलब की खुश खुशी लग गई थी जमा, फिर मैं कही मिले मैं तो पहली बेरा ना पहले आ जाते कलावती मोशीनरी ना कहूँ थी मैं, बोली किसी ने बताई कौन इसने आना फोन तो बातें कौन करती थी, बोले किसी फोन आता ना मेरा जी कौन करता बात करना, बोले किसी तो बात कौन करती है, बोले हमें तो कल हाँ फोन भी कौन था, और वो हो गया फिर को थी, बोली मैं कौन थी, बोले हमें तो परसों बेरा लग गया हमारे, फिर अमी बन बोल दो मान चल के फिर आज उ आ गए सीधे मैं ग्रह जाऊँ थी, बल्कि फिर सूर्य बोला ना समुद्र चलांगे, पर मारती तो बेरा ही कौन था, मतलब सवेरे सारे घर के आने लग रहे थे, फिर मतलब आई शाम ने तो दर्द उड़ा टाइम हो गया तो आ कौन सका थे, फिर मतलब मैं भी जाऊँ हाँ ना, फिर तो जमा राजी हो गई थी जमा खिली खिला उठी थी, बाकी आप बात कर लियो आज
पहला अंब था 10-15 दिन हो गए थे नीनू और हाँ इन्हें बता बात करना जी कौन कर रहा था किससे तो बात कर रहा थी ना किससे तो बात कर रही थी लगा था सारे नु कहने लग गए थे इसका दिमाग में हो गया किसी से बोलती ही को नहीं भाई क्यों वो जो मम्मी एक तो आस आसे किसी का सारे दिन आंसू आंसू रहा है अब वो बंदा फिर एकदम चुपचाप हो जाए ना तो लग गए इसका दिमाग में हो गया क्यों हो गया फिर डॉक्टर वाली कहो थी डॉक्टर ने बोला कि नाम से एकदम तो मौसी ने अफीम दे दी एकदम तो ही वाह और बोली एकदम तो वो जोर तो रोई ने तो नस थोड़ी बहुत जो खून जो गया था एकदम तो वरना दिमाग की नस पाटर डॉक्टर ने भाई लेके गए ना हॉस्पिटल में तब को था यूं बोला यार रो ली तो बच गई वरना दिमाग की नस पाटर बचने के कोई चांस कौन थे इसके ये आटा गूंद दिया आटा गूंदी गूंदी का आ वो पैर सुनने हो गए एकदम तो ही ज्यादा दिक्कत हो गई थी उसको ये तो बेचारे ठीक है इसकी तो कोई बड़ी बात नहीं बोले सपना पूरा हो गया बोले मैंने बहुत ही होता मेरे भाई भाभी कदा होंगे भाई भाभी कदा कितना वो है मतलब गामा में तो खिंडे रहोगा सामान सिंपल सी बात है जिसका डांगा डोरो होगा खेती बाड़ी करता होगा उसका घर सामान नुड़ा ही को नहीं इतना सामान पाओ मतलब सामान तो ही घर बने अगर थोड़ी ना खाली दीवारा के करे यहाँ कौन थी मैं बाकी बस आप बात कर लियो ज्यादा उदासी तो ज्यादा वे कि आज थोड़ा हाँ मौसी को होती थी आज थोड़ी चेतमा है करके देख लियो बात एक बार मिला दे सुनी एक बार फोन मनु घर वाले मिला ले मनु ऊपर पागा तो नहीं तो ऐसा अच्छा आ बाद में तो लगा दी मैं तो कौन थी आज घर फिर तो जे मैं पानी का लगा दी दो चार दिन मां हां इसका आता दिन और रात रह गया कि मेरा सारा व्यूज है ये जाने की सीट आई होनी थी दीपड़ो का फोन आ ले मैं आने लग रहे हैं मैंने बोल दिया इधर ली मम्मी 1 घंटे रुक जा 2 घंटे रुक जा आधा रुक जा कंधे आज 16वां दिन है 16वां दिन है बात और आज इतना रज्जू हो रहा है सवेर तो छोटा उदास हो रहा था मैं रोटी को खाओ था सवेर 3 बार आगे हो गया मैं रियलिटी में जैसे नो जाओगी जाओगी हाँ जाओगी मतलब जाना तो पड़ेगा सुनो की एक रूम मतलब वो भी तो कर रहे हैं वो भी तो भाई उनकी भी मैं छोरी उन्हें तो याद आवा है फिर मतलब तू भी चल पड़े बोला ना कालजा पाट गया मेरी माँ ने भी तो 25 साल करके भेजी उसका तो जी करा मिलना है नू कहू थी मैं इसने फिर रोनी होगा जो मई फिर बोला सुनो आज आज रुक जा अरे बे है जी तो नाचता फिर रोटी खा ली जब नु बेरा लगन दी पड़ो रहा हूं है यू तो है रोनी है तो इसने देख के रोनी होई सुनो तेरी तो बता सुनो यू तो आंसू कर लिया रोनी सुनो मेरा कह रहा फिर है सुनो तन्ने भी तरफ देख देख मैं तभी तो इसने को मैं साथ चल उड़ रह लिए है मनु तो बटे वो थोड़ा ना बटे वो तो किस एंगल से मानना मां मानना कदे भी या फिर भाई और ना बटे वो मान है ना नु तो मां ने तेरे कदे बटे को तो दिया ना भाई ने दिया ना पापा ने दिया था कदे भी हमेशा बेटा मानना ही था ना मानना नहीं तो फिर भी जाग गई तो ले जग दे ले सो को नहीं भाई ले क्यों गा ना तेरी भी हुई पाऊ तभी खाओ जामने तेरी थोड़ी हो रही है तने खाई है फिर बेरा हमें जब दीपड़ो का फोन आया मैसेज आया ना कि हम बन बोरिया लिया हम यहाँ लग रहे हाँ फिर इसे नू बेरा था वहां से रुकेगी नू बोला ये तो रोटी खा गया हूँ शांति बढ़ गई तो रोटी खा गया हूँ दीजाई रोटी खा गया है मेरा दिल मैं इतनी खाई तो खा तो आया मैं खाई को नहीं इसकी ना ना
देख ले शाम की बात है, शाम में तो जाऊंगी सीनू पक्का छोड़ का ठीक है, मैं बस में चली जाऊंगी पली था कोई ना, मैं गाड़ी लेके चली जाऊंगी गुच्ची का शील्ट बेल्ट पहन की और गुच्ची ना लगा लूं छाती का और के लक्ष्मी भाई तो छोरी थी गर्मी लग गई तो गाइस अभी तक आई नहीं थी, पढ़ो रहा बाकी आने के बाद हमने दिखाते उनका आगे का हमारा जो भी ब्लॉग रहेगा जो भी रहेगा सिस्टम आगे का ये सोनी सोनी नो गवला इसका पेट देख पेट मतलब हमने न्यू पूर्व प्रकाश सीन ले रहा हूं मैच ले रहा हूं दे मैच ले रहा हूं किसी का मैच यार मैच सकी तो फर्क पड़ना चाहिए यानू कल पेट हो रहा है तो कोठी का गेट रे जाट का पेट नहीं हो रहा तो अच्छी को लग गया करना डायलॉग है ये हैं डायलॉग है कोठी का गेट नहीं हो रहा तो कोठी सुतरी को लग गया और जाट का पेट नहीं हो रहा तो सुतरा को लग गया ठीक है तो हेलो गाइस आल यहाँ पे भाई वापिस गांव में मेरा गला बैठ रहा थोड़ा आज आए थे पे जो कर छोटा भाई अपना नक्शी उसके दो कदाक मरानी थी खत्म हो गई हाँ हाँ हो गया ठंडा जीरा प्या फिर तब तक आ जाएगी मैं गला बैठे जीरा तब तक आ जाएगी मैं तब तक बनाऊ बता कमेंट करवा जल्दी बताओ कमेंट करेंगे इतना तो तू तेरे आ करा तेरे का सुकून लग जाए तेरा फिर एक काम करते हैं समोसे बनाओ समोसे मां चल तेरे का कौन कहे मैं कुकर लाऊं बाइक लेके अच्छा बाइक लेके मैं कुकर लाऊं गाड़ी ले जा है हां तो मैं जाऊंगी सासन थोड़ा अजीब लगा दुकान पर जाई घूम मैं समोसे दे दूं तेरे का आप आपका काम में तो कढ़ाई बिक जाए आपका काम में तो कढ़ाई बिक जाए तू हां कल मत करना सोच रहा हूं थोड़ी दिक्कत हो रहा है सुने दीदी और आ चुके हैं भाई मारा मोटा जुंडा यो भी आ चुका है मारा किसी है आज भी आपने किसी गंदे टोकरा ओए ओ की कर लक्ष्य लक्ष्य की कर दे आले तो रे वाले ने टना ना 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 चुप हो गया ना ना अरे अरे चुप सा बेटी चुप हो गया देखो नू रो है देखे ये नू रो वाली थी वो गंदा आदमी को उठा रहा है मैंने जरा यू कंफ्यूज हो रहा है मार देखो क्या हो रहा है क्यों हुआ अरे चुप कराओ खत्म मैंने बोला मैं चुप करा दूंगा अभी ठीक क्यों हुआ दीदी और वो कल रहे हैं और इसकी आंख सुसा है क्योंकि इसकी आंख में मेरी आंखें हैं सुसा मेरी देख रहे थे और अरे जाओ सारा दिन भाई पेट में धना दी तो मैंने गोली कोशिश करी खाने की नु कह कर दे बारह बच्चा गोरा गोरा पैदा हो जे कच्ची खानी चाहिए मैंने एक दिन भी नहीं खाई मैं क्यों मैंने देख देख इन में बांस आया कर दे जो उल्टिया सिस्टम चल रहा था मेरा और सारे कह कर दे तू या डोरी खाइए गोरा बच्चा पैदा होगा मैं कह ठीक से एक दो बार मंगाई अब भी देखो छोलिया करता ने वो बांस चढ़ जाए अगले सर में एक टुकड़ा भी नहीं खाया मैंने कभी तो खाया था। तो
नरा खाओ नी बुआ कितनी दूर रख लिया है झूठ बोला डाली डाले काम रहा तेरा रोज की रोज 15 दिन हो गए मोटा लाला देख लो पाचन जमने जमन हानी कोई काम नहीं तो भाई खेड़ा पे दुख मारन लग रहे हैं हेड दुख मार के फिर जाऊंगे दीपड़ोर तो भैया दीपड़ोर आ रहे हेड दीपड़ा दीपड़ी वो आए थे और भैया जान लग रहे वापस जो कराची फिटन आए थे इसी का चक्कर में सोने का लेट हो गई थी लोड़ा घर आ जाओगे आपके लेकिन उसका चक्कर में आ गई गुड़िया दीपड़ की बू ये अपना गुच्छी गुच्छी का बुखार रेस्ट दिखाओ था मैं बुखार ठीक हो जाओ इसके छोरा का गुगी गुचड़े गुचड़े तब ना पिछली वीडियो में देखा कितना मोटा हो रहा था लेकिन इसकी जाड़ी जाड़ी दांदरी के बोल रहा वहाँ है और उस चक्कर में मारा हो रहा है कि मैं इसका बुखार तो एक बार दीपड़ो ना रिंती चढ़ाया गया वहाँ चल गुली तने भी चढ़ाया गया वहाँ पिटले चलो 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 एक गिलास पानी का लिया तो भाई भाई रोने लग गया ना ना इसका बुखार हो रहा माँ इसका बुखार हो रहा है तंग ना करो माँ ना ना बुखार हो रहा है इसको तंग ना करो मेरा पानी गिलास कट के देख रहा है भाई जल्दी आओ दोबारा जल्दी आओगे कार्तिक और सारे के सारे लग रहे जान निकल गए सर तो सोने का जाओगे घर एक बार इंटी जल्दी जल्दी बिठाओ जल्दी आओगे जल्दी पहला की तरह से